हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को आर्डुइनो सीरीज का अगला वीडियो दिखाने वाला हूँ, जिसमें मैं आप लोगों को बनाकर दिखाऊंगा कि आर्डुइनो में कैसे प्रोग्राम करके एक म्यूजिकल हॉर्न का रिले बना सकते हैं। तो इसी का ये क्या है, पूरा प्रोग्रामिंग पे बेस्ड है, लेकिन मैं आप लोगों को प्रोग्रामिंग तो पूरा नहीं दिखाऊंगा क्योंकि इसमें वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। इसलिए मैं उसको पहले से बना कर रखा हूँ अपने लैपटॉप पे, उसको सिर्फ इंस्टॉल करूँगा और कैसे कैसे कनेक्शन करना है और कनेक्शन करने के बाद कैसे चलता है ये सब चीज़ें दिखाऊंगा। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल में नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। भले ही सुबह उठ के बना रहा हूँ लेकिन वीडियो काम का है, इसलिए वीडियो को पूरा देखना। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को लग रहा होगा कि इस वीडियो से क्या बेनिफिट होगा, हमारा जो गाड़ी है उसके लिए हम प्रोग्रामिंग करते तो नहीं बैठे रहेंगे हॉर्न बजाने के लिए, तो इसका सिंपल सा ये तरीका है कि मैंने एक कंपैरिजन लगाया है कि हमारा जो प्रेशर हॉर्न होता है वो कितने का आता है और अगर हम इससे बनाते हैं तो वो हमें कितना पड़ता है। इसका डिफरेंस मैं आप लोगों को साइड में दिखा दूंगा, यहाँ पे फोटो में आप देख सकते हो, इसमें आप लोगों को पता चल जाएगा कि प्राइस डिफरेंस क्या है। और इसमें एक बेनिफिट ये मिलता है आप लोगों को कि इसमें आप लोगों का जो प्रोग्रामिंग है उसको आप कभी भी चेंज कर सकते हो, मतलब आपका जो साउंड है उसको 1000 times भी उसमें चेंज ला सकते हो। साथ ही साथ इसका बेनिफिट ये है कि आप इसको चाहे कार में लगाओ, चाहे बाइक में लगाओ, चाहे ट्रक में लगाओ, ये कहीं भी आसानी से लग जाता है। इसका जो सर्किट डायग्राम है वो आप लोगों को मैं अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में मैं डालता हूँ सर्किट डायग्राम वगैरह, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए फिर वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो ये हमारे पास 4 हॉर्न, इसी से हम इसका ट्यूनिंग करेंगे और ये मैंने पूरा भी वायरिंग तो कर दिया है क्योंकि अगर दिखाने बैठूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन इसका सर्किट डायग्राम आप लोग देख सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पेज में आपको मिल जाएगा। यहाँ पर ये हमारा आर्डुइनो है, यहाँ से हमने इसका कनेक्शन इससे रिले बोर्ड से कर दिया है और रिले बोर्ड का जो आउटपुट वायर है उससे हमने ये हॉर्न का वायर जोड़ दिया है, जैसे कि एक स्विच का वायर जोड़ते हैं सेम वैसे ही। और इसका जो पावर सोर्स है, जो मतलब ये हॉर्न किससे बजेगा, इसका जो पावर सोर्स है बैटरी वगैरह, वो यहाँ पर ये इसका नेगेटिव है और ये इसका पॉजिटिव है। तो यहाँ से पीछे देख सकते हो ये वायर नीचे की तरफ आया है और ये गया है यहाँ पर। तो हमने इसको सिंपली गाड़ी में जोड़ दिया है क्योंकि गाड़ी में ही बैटरी होता है और मेरे पास ऐसे तो खुला बैटरी था नहीं, इसलिए मैंने वहीं से ही जोड़ दिया। और इसको मतलब जो ये हमारा आर्डुइनो है इसको पावर देने के लिए यहाँ पर हमने 12 वोल्ट का एडाप्टर लगाया है। ये एडाप्टर से ये पिन है, इस पिन की मदद से हम इसको पावर देंगे, ये यहाँ पे सिंपली ऐसे लग जाएगा और फिर इसका जो कनेक्शन है, इसका जो प्रोग्रामिंग है वो वर्क करने लगेगा और इसको कमांड देगा रिले को। और अगर इसको हमें प्रोग्राम करना है कैसे, इसमें इसका जो ट्यूनिंग वाला प्रोग्राम होता है हॉर्न का, वो कैसे डालना है वो अभी दिखाता हूँ। ये जो केबल है जो हमारे लैपटॉप से जुड़ा हुआ है, इसको हम सिंपली इससे जोड़ देंगे, यहाँ पर इसको जोड़ लेते हैं। इसमें ऑलरेडी पहले से एक प्रोग्राम डाला हुआ है, वो मल्टी का प्रोग्राम है, मतलब सब हॉर्न एक एक बार बजते हैं। पहले एक बार दिखा देता हूँ, ऐसे बजता है ये। अभी इसका पावर ऑफ करता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए कि ये काम कैसे करता है। एक वायर खोल देता हूँ, मैंने पावर से उसका एक वायर खोल दिया और इसको आप जोड़ लेते हैं। वो देखो रिले में जो लाइट जल रहा है वो एक फ्लो के साथ जल रहा है, मतलब पहले एक जल रहा है फिर बंद हो रहा है फिर दूसरा जल रहा है फिर बंद हो रहा है ऐसे, तो वैसे ही यहाँ पर होगा। ये जो हमारा हॉर्न है
पहले एक बजेगा बंद होगा, फिर दूसरा बजेगा फिर बंद होगा, फिर तीसरा बजेगा फिर बंद होगा, और जो लास्ट है वो बजेगा फिर बंद होगा, ऐसे ही फ्लो में बजेगा ही। तो एक बार दिखाता हूँ इसको चला के। अभी हमारा रिले तो काम कर रहा है लेकिन हॉर्न बज इसलिए नहीं रहा है क्योंकि हमने बैटरी से डिस्कनेक्ट कर दिया। बैटरी से जैसे ही जोड़ूंगा ये बजने लग जाएगा। काफी लाउड है, थोड़ा सा आवाज कम कर दूंगा मैं सेटिंग से। ये ऐसे ही बजता है, ये एक प्रोग्राम है। अब हम दूसरा प्रोग्राम करके दिखाते हैं कि दूसरे में ये कैसे बजता है। तो आ जाते हैं स्क्रीन में, राइट में जो दिखा रहे हैं नीचे में वो शो करता है कि ये सब प्रोग्राम ठीक है हमारा। हम इसको अपलोड करते हैं, यहाँ पर लाइट ब्लिंक होगा, आप लोग को देख सकते हो जल रहा है और प्रोग्राम हमारा चेंज हो गया। अभी देखो कैसे जल रहा है एकदम स्पीड से, और सिर्फ दो लाइट ब्लिंक हो रहा है, ये देख सकते हैं। अब इससे कैसा साउंड आएगा ये दिखाते हैं। हमारा रिले तो काम कर रहा है, अब इसमें जोड़ते हैं बैटरी से सप्लाई ताकि इसको पावर मिल सके ऑन को बजने के लिए, और देखते हैं कैसे बजे। अब दूसरा करके दिखाता हूँ कि दूसरे में कैसा साउंड आता है। देखो अब प्रोग्राम अपलोड हो गया, अब ये चेंज हो गया। अब ये साउंड मैं आपको दिखाता हूँ कि हॉर्न में कैसे आता है। अब सब कुछ हमारा जुड़ चुका है, बस बैटरी सप्लाई जोड़ना है और ये वायर को जोड़ना है, और देखना कैसा साउंड आया। बज रहा है, और ये था हमारे तीसरे प्रोग्रामिंग का साउंड। काफ़ी डिफिकल्ट होता है कि किसी साउंड को प्रोग्राम में चेंज करना, तो इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन अगर आप लोगों को सीखना होगा तो मेरे से पूछ सकते हो। अब चलते हैं दूसरे प्रोग्राम की तरफ। दो हॉर्न का ऑन ऑफ हो रहा है लगातार। अब इसको बैटरी से जोड़ता हूँ और देखना साउंड कैसा आएगा। और ये हमने जोड़ दिया बैटरी से। इसको आपको हमेशा लैपटॉप से जोड़ के रखना नहीं पड़ेगा, यहाँ से अगर आप डिस्कनेक्ट करते हो इसको, और डिस्कनेक्ट करने के बाद जो एडाप्टर का पिन होता है ये वाला, तो उसको यहाँ से जोड़ देना बस ऐसे, और ऊपर का जो हमारा बटन होता है एडाप्टर यहाँ पे हम पावर सोर्स के लिए यूज़ कर रहे हैं, वहाँ से जुड़ा हुआ है। अगर आप ये वाला केबल हटा भी देते हो अपलोड होने के बाद, तो वो जो प्रोग्राम जो भी रहता है वो इसमें सेव्ड रहता है, इसलिए आपको लैपटॉप का सिर्फ प्रोग्राम करने टाइम बस यूज़ होगा। अब इसको चालू करते हैं, यहाँ देख सकते हैं एडाप्टर का लाइट जल गया और ये जुड़ा है इससे, और ये हमारा काम कर रहा है, जैसे ही जैसा प्रोग्राम था वैसे ही काम कर रहा है। तो चलो अभी इस लास्ट प्रोग्राम का साउंड सुन के देखते हैं कि कैसा बजता है। जोड़ते बैटरी से